मतलब क्या है, आप 14 महीने से तैयारी कर रहे थे, थोड़ा सा और तैयारी कर लेंगे तो वर्दी में जिस जिस जिले में भर्ती होने वाली है, जिस ग्राउंड पर भर्ती होने वाली है, वहां पर युवाओं ने हर जगहों पर जाकर ज्ञापन दिया है। संगठन में शक्ति है, ये मुट्ठी अगर बंद हो जाए तो ये संगठन बन सकता है। इसका सीधा उदाहरण कल देखने को मिला है, 10 ही जगहों पर जहां पर फिजिकल होने वाले थे 30 एक और दो को, वहां पर कैंडिडेट्स ने, हर जगहों के कैंडिडेट्स ने संगठन में आकर जो सहयोग किया है उसी का परिणाम है कि आपकी डेट एक्सटेंड हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। काफी सारे कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे हैं कि सर आपकी वजह से, कुछ लोगों की वजह से आपने सपोर्ट किया, वीडियो बनाया, इसलिए हमारी चीजें पॉसिबल हुई है। बिल्कुल नहीं, ये सब श्रेय आप ही को जाता है, क्योंकि हम सिर्फ आप लोगों से हैं। आप लोग नहीं होते, आप लोग वहां पर नहीं आते। हमने तो सिर्फ इंदौर में ही दिया है, लेकिन हर जगह पर जिस जिस जिले में भर्ती होने वाली है, जिस ग्राउंड पर भर्ती होने वाली है, वहां पर युवाओं ने हर जगहों पर जाकर ज्ञापन दिया है, उसकी वजह से ये काम पोस्टपोन हो पाया है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं साथियों कि आप सभी ने इस चीज को समझा, बच्चों के लिए आपने आगे। कल मैंने कई कैंडिडेट से वहां पर पूछा आपका फिजिकल डेट क्या है, तो उनने बताया अभी से एक डेढ़, मतलब एक महीने बाद वाले बच्चे भी वहां पर एकत्रित हुए थे अपने दोस्तों का साथ देने के लिए। भाई यही होता है साथ निभाना। मध्य प्रदेश का कैंडिडेट तो बहुत सारा है, एकेडमी के अंदर ही बहुत सारा बच्चा है, वो सारा का सारा बच्चा गया तो नहीं, लेकिन जिनने दिल से साथ दिया है भगवान उनका दिल से साथ देगा, उनका सिलेक्शन जरूर होगा। साथियों डेट जरूर बड़ी है, डेट बड़ी है तो अब आपको सुस्त होकर बैठना नहीं है। कई कैंडिडेट को मैंने कल ही देखा है, मेरे ही कैंडिडेट का बता रहा हूं मैं आपको, कई कैंडिडेट ने टिकट करवा लिए है, सर 15 दिन पहले आ जाएंगे। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत दिन से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन आपकी डेट जैसे ही आगे बढ़ी आपने आपका माइंडसेट चेंज कर लिया, 15 दिन पहले आ जाएंगे। फिर 15 दिन पहले आएंगे, फिर घबराहट होना स्टार्ट होगी। तो मतलब क्या है, आप 14 महीने से तैयारी कर रहे थे, थोड़ा सा और तैयारी कर लेंगे तो वर्दी में आ जाएंगे। भाई ऐसे जुनून अगर आप रखोगे ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशंस में जहां अजमज धार में नैया होती है, वैसी नैया आपकी होगी। आपको दो नावों में सवार नहीं होना चाहिए, अगर आपको नैया पार करानी है आपकी, तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे पेशेंस के साथ तैयारी करनी रहेगी। फिर से सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ये एक्सटेंड हो पाया। जो बच्चे परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि सर बारिश में कैसे दौड़ेंगे, ग्राउंड गीला है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, कैसे दौड़ेंगे आगे, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें भाई, तैयारी करोगे तो ही हो पाएगा। अगर हेल्प चाहिए फोर्स एकेडमी की तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। क्यों? क्योंकि देखो आज संडे होने के बावजूद भी ये यहीं से, मैं ऑफिस में बैठ के दिखा रहा हूँ, ये बच्चे कंटिन्यू गोला फेंक रहे हैं, उधर लॉन्ग जंप कर रहे हैं, रनिंग ट्रैक सूखा हुआ है, तो इसका लाभ मिल रहा है इन बच्चों को, ये लाभ मिल रहा है। बहुत ज्यादा फीस नहीं चार्ज करते हम, बहुत ही कम, न्यूनतम फीस लेते हैं, मात्र 2000 रुपए फीस है एमपी पुलिस वालों की। बताओ और क्या चाहिए। ठीक है साथियों, लव यू, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो या फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।